आपने एक बात कही थी टेलीग्राफ के एनुअल डिबेट में, कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हों या योगी, उनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए। जब आप में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अनुपम खेर ने साबित कर दिया कि वो रियल लाइफ में नहीं रियल लाइफ में भी खलनायक हैं, फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, नॉट दैट आई एम बीइंग डिफेंसिव अबाउट इट, आई हैड, पहली बात तो उनका नाम नहीं लिया था मैंने, पर जब पत्रकार उनके पास गए और उनको कहा गया कि अनुपम खेर ने ऐसा बोला है, मैं इतना समझदार हूँ कि मुझे कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और बन गए तो जनादेश के बारे में क्या कह सकते हैं। हमने 60 साल ऐसे लोगों को अपनाया है, एक किस्म के खास किस्म के लोगों को, एक वंश के बाद के लोगों को हमने चुना है, हमने उनको सर आँखों पर रखा है, और अब हम जो चुने गए हैं, जो जनता से चुने जाए, उनके बारे में उनको क्या कह सकता है इंसान। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ यू हैव टू स्पीक द, मेरे दादाजी बहुत अच्छी बात कहते थे, व्हेन यू आर टेलिंग द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, यू अंडरस्टैंड। एंड ऐसा नहीं कि जो मैंने बातें आज से 25 साल पहले हैं मैं उस पर मैंने बदला नहीं है उसका। मैच्योरिटी का, जीने का और बड़ा होने का यही मतलब है कि आप नए नए चीज़ें से सीखें। What do you think of Yogi Adityanath now? I have not met him ever in my life. आप उनके क्रियाकलाप देख रहे होंगे, कैसे वो सरकार मुझे रहे, मुझे बहुत अच्छे बयान दे रहे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो यूपी में जिस तरह से जो उनके साथ सलूक हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। यू सी, जो हम देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ यू वॉन्ट टू बी पॉपुलर विद द होल वर्ल्ड यू विल नेवर डू एनीथिंग, इसलिए अपनी कॉन्स्टेंसी को कैटर आप नहीं वैसे भी पॉपुलैरिटी के जिम्मे पर कहीं कुछ चल ही नहीं सकता है। मैं अपना एक्टिंग स्कूल इसलिए अच्छा चला पाता हूँ क्योंकि मैं पॉपुलर नहीं होना चाहता। जिस जिस इंस्टीट्यूशन में सरकार ने डेमोक्रेसी चलाई है वहाँ पर उसका भंटाधार हुआ ही हुआ है, तो उस हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू डील विद क्राइम इन अ वेरी स्ट्रांग मैनर, वन हैज टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। ये लल्लो चप्पो और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी ऊपर आता है ना, उसमें कहीं ना कहीं तो भाई होती है। उन्होंने तो नहीं बनाए अपने महल, उससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने सबसे पहले महल बनाए, स्टैचूज बनाए, जो आए थे शायद 500 रुपये लेकर आज 500 मिलियन से बड़े ज़्यादा हैं, जिन्होंने अपनी अमीरी पहले सोची, जिसकी ज़रूरत ही कुछ ना हो। मिस्टर मोदी की सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं वो बात कर सकता हूँ।